Hey everybody, this is Rohit Prinja and you are watching my channel Physics Adhyapak. And now हम ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने जो सॉल्यूशंस हैं ऑफ दिस क्वेश्चन वो, तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट PYQs से आए थे. ठीक है, एंड टॉपिक आर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड से ये मैंने दोनों क्वेश्चंस लिए हैं. ओके, so this is the question which has come from which has come in 2018 NEET exam. Okay, so let's, it is very big statement, big question, but we need to tackle this very easily. So this is a very big question and we need to tackle it. Okay, so in this question, let us read this question. Okay, a toy car with charge Q. So we have to draw a car. Let me just so we have a car, okay, toy car, and it has some charge Q, good, on a frictionless horizontal plane, and it will move on a horizontal plane. So it will move in a horizontal plane which is frictionless purely. और इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, इसी डायरेक्शन में गिवन है, दैट इज ई. ओके, ड्यू टू द फोर्स क्यू इट इज, आई थिंक मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर कुछ. ड्यू टू द फोर्स ई होगा यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी. और यहाँ पर हमें जो फोर्स दी गई है दैट इज क्यू ई, दैट इज क्यू ई. और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई होती है, यू नो दैट. Okay, we know this. Due to the force QE, its velocity increased from 0 to 6 meter per second. So, velocity increase hui hai from 0 to 6 meter per second. Why? So, 0 to 6 meter per second, humare paas kya hai velocity. Okay? And in 1 second, duration. और टाइम इज गिवन टू अस एज 1 सेकेंड. फाइन, एंड लेटर ऑन इट सेज एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड. नाउ द फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज रिवर्स्ड. सो नाउ दिस इज द सेकेंड, मतलब केस कह सकते हो तुम. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन, और अब ये सेकेंड काइंड ऑफ मोशन बन गया. अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बदली है, ठीक है, बट कार की जो डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यू टू रिमेन सेम. डायरेक्शन नहीं बदलेगी यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अकेली बदलेगी, मोशन ऑफ कार की डायरेक्शन. तो कार के मोशन की डायरेक्शन नहीं बदली, किसकी बदली है यहां पर, बदली है ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये माइंड करना, ये ख्याल रखना हमें. ओके, देन इट सेज the car continues to move for 2 more second. Then it says the car continues to move for 2 more seconds. That means it will move for until the time is 3 seconds. It will move until the time is 3 seconds. Okay. Under the influence of this field, and we know this. और ये सारा motion क्यों हो रहा है? Because there is a force which electric field will apply. Okay. On a charge Q toy car. द एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमें और एवरेज स्पीड बताना है. पहले मैं बता दूं, दिस इज अ मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन. व्हाई मीडियम? बिकॉज इट इन्वॉल्व टू कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट फ्रॉम द मैकेनिक्स एंड ऑल्सो सेकेंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स. तो दो कॉन्सेप्ट मिलाकर ये क्वेश्चन बना है. ओके, बट देखो एवरेज वेलोसिटी उन्होंने कहा है, एवरेज वेलोसिटी ढूंढो, एंड वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. सो आई विल राइट एस वन फॉर द फर्स्ट केस एंड एस टू फॉर द सेकेंड केस ओवर टोटल टाइम. दिस इज टी वन प्लस टी टू. और याद रखो दैट एस वन एंड एस टू आर द डिस्प्लेसमेंट्स, नॉट डिस्टेंसेस. These are the
डिस्प्लेसमेंट्स। ओके नाउ देखो, फॉर द फर्स्ट केस कि ये मोशन अकेला 1 सेकंड के लिए हुआ है, ये वाला जो मोशन है वो 1 सेकंड के लिए ही हुआ है। दैट मींस जो हमारे पास S1 होगा दैट विल बी द एक्सलरेटेड मोशन, क्योंकि फोर्स लग रही है। दैट मींस हमारे पास क्या होगा, एक्सलरेटेड मोशन। देयर फॉर S1 कितना आएगा, दैट विल बी हाफ 80 स्क्वायर। ओके और यहां पर A कितना होगा, वो होगा क्यू ई ओवर एम इंटू टी वन स्क्वायर हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो, अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट हाफ इंटू ए। व्हाट इज ए, सॉरी व्हाट इज क्यू ई ओवर एम, क्यू इज क्यू, ओके एंड हम ई भी ई है और एम भी एम है, मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। इंटू T1 स्क्वायर, व्हाट इज T1, दिस इज 1 स्क्वायर। ओके तो देयर दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, बट हमें क्यू एक्सलरेशन नहीं पता लगा और हम ढूंढ भी नहीं सकते यूजिंग क्यू ई ओवर एम, बिकॉज ना हमें क्यू ई गिवन है ना हमें एम गिवन है। तो वी नीड टू फाइंड एक्सलरेशन बाय सम अदर मीन्स। तो क्या करेंगे हम, एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए वी विल यूज द प्रॉपर डेफिनेशन, वी यूज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एक्सलरेशन विच इज फ्रॉम द मैकेनिक्स पार्ट। सो फ्रॉम मैकेनिक्स वी नो, और यू कैन से फ्रॉम काइनामेटिक्स वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट आर एक्सलरेशन वुड बी ए विच इज वी माइनस यू बाई टी। ओके फाइन, नाउ टिल 1 सेकेंड, इट इज रिटन हेयर इन द क्वेश्चन इट सेल्फ, टिल 1 सेकेंड वॉट वॉज द स्पीड, आर स्पीड वॉज 6 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, और जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी। तो वी हैव गिवन बोथ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी, तो देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट 6 माइनस 0 एंड व्हाट इज टाइम गिवन टू अस, दैट इज 1। सो दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि हमने अपना क्या ढूंढ लिया, एक्सलरेशन। सो व्हाट इज एक्सलरेशन, दिस इज हाफ इंटू 6 इंटू 1 स्क्वायर, सो दिस इज 3 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज वी हैव फाइंड आर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज S1 डिस्प्लेसमेंट। ओके ये अब सोचो कि ये क्वेश्चन बहुत धीरे से हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, और यू कैन से दैट अंडर द वेरी एग्जाम प्रेशर इट विल चेंज टू ऑटोमेटिकली टू डिफिकल्ट वन, आई विल कॉल इट एज डिफिकल्ट बिकॉज डिफिकल्ट होगा। ठीक है, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके तो नाउ व्हाट इज S2, अब थोड़ा सा ध्यान में रखो, अब ध्यान रखना थोड़ा सा। S2 के बाद डायरेक्शन, अब देखो S2 के बाद डायरेक्शन क्या है, बदल गई है, डायरेक्शन क्या है बदल गई है। नाउ व्हाट वी गोइंग टू राइट, देखो डायरेक्शन बदल गई है, दैट मींस नाउ अब जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, इस तरफ आई एम शोइंग विद द ब्लू पेन, इस तरफ लगेगी फोर्स F, और मोशन किधर की ओर हो रहा है, मोशन हमारा इधर की ओर हो रहा है, दिस इज अ मोशन, नीचे वाला एरो देखो ब्लू एरो। ठीक है ना, तो ऑपोजिट मोशन हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो फोर्स है वो कुछ और डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स इट विल रिजल्ट इनटू रिटार्डेड मोशन, इट विल रिजल्ट इनटू रिटार्डेड मोशन। तो यहां पर क्या होगा, डी एक्सलरेशन होगा, क्या होगा, डी एक्सलरेशन। ठीक है ना, अगर डी एक्सलरेशन होगा, नाउ वी विल हैव आर ए विच इज S2 which is ut minus half gt square, यहां पर g नहीं लिखना, सॉरी फॉर दैट, यहां पर a लिखेंगे हम, a, दिस इज a, फाइन। अब u देखो, u क्या होगा, क्योंकि जब हमारा मोशन हुआ था, दिस इज फ्रॉम टाइम t 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये वाले इक्वेशन किसके लिए लगाई है मैंने,
ये मैंने लगाई है फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स. ओके, सो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी एट द जस्ट बिगिनिंग ऑफ 1 सेकेंड? इट वाज क्लियरली 6 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 6 इंटू 2. वाई? बिकॉज ये मोशन अब कितने सेकेंड के लिए है? इट इज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, दैट्स व्हाई इट इज फ्रॉम फॉर 2 सेकेंड्स. फॉर 2 सेकेंड्स के लिए मोशन हमारा होगा, तो इसलिए मैंने लिखा है सो माइनस हाफ ए. अब ए कितना होगा? ए को ढूंढने के लिए आई वुड से वो भी सेम होगा कि नहीं ये सेम होगा. लेट मी रीड अ क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है ना? क्योंकि सेम भी हो सकता है, नहीं भी सेम हो सकता. वी हैव टू वी नीड टू जस्ट रीड द क्वेश्चन. एट दैट इंस्टेंट, जहां से पढ़ो, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड. कार कॉन्टिन्यूस टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड एंड वी हैव टू फाइंड दिस. देखो जहां पर उन्होंने कोई भी हिंट नहीं दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, क्योंकि जहां पर जो मोशन हो रहा है, सॉरी, जहां पर जो एक्सलरेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही करवा रहा है. देखो ना, क्यू बदला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बदली ना, मास बदला. देखो ना, एक्सलरेशन कितना होता है? दैट इज क्यू ई ओवर एम. यहां से देखो, व्हाट इज एक्सलरेशन एग्जैक्टली? इट इज क्यू ई ओवर एम. तो तीनों चीजें कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. तो दैट मीन्स एक्सलरेशन विल बी रिमेन सेम जितना पहले था. तो देयर फोर यहाँ पर अब हम लिखेंगे हमारा एक्सलरेशन क्यों भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. ओके, सो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ही आएगा. इनटू टी स्क्वेयर, व्हाट इज टी? टी इज 2 स्क्वेयर. सिंपल, 12 माइनस दिस इज 3, दिस इज 4, 3 इज 12. क्या गलत हो गया? ओ गलत हो गया, पूरा गलत हो गया. ओके 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 ना. अब देखो, ये जो मोशन मैंने करवाया ना, आप खुद देखो, मोशन इस तरफ हो रहा था और फोर्स भी इस तरफ लग रही थी, ठीक है? और ये एक्सलरेटेड मोशन था, ठीक है? अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसके डायरेक्शन फोर्स की बदल जाएगी. इस तरफ पहले थी, इस तरफ अब बदल जाएगी. देयर फोर वट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन टू एन एक्सलरेटेड डी एक्सलरेटेड मोशन. कौन सा मोशन? डी एक्सलरेटेड मोशन. जाने की एक टाइम आएगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये टर्न कर जाएगी, ऐसे ऐसे टर्न कर जाएगी. तो अब हमने देखना है दैट कब टर्न करेगी ये, आफ्टर हाउ मच सेकेंड ये टर्न करेगी पीछे की ओर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे और कितने सेकेंड बाद ये टर्न करेगी, तो उसके लिए हमें देखो, जब भी कोई बॉडी टर्न करती है, अपनी डायरेक्शन बदलती है, देन इट मस्ट हैव सम जीरो स्पीड. इसकी जीरो स्पीड होगी कहीं ना कहीं. तो मैंने मान लिया कि इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो जीरो होगी आफ्टर सम टाइम. और इनिशियली आफ्टर एट एंड ऑफ 1 सेकेंड इट्स स्पीड वॉज 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने खत्म यहां पर किया था ना. तो वो देखना कितने टाइम बाद इसकी स्पीड जीरो होगी. सो देयर फोर वी नीड टू यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड गॉट जीरो, ठीक है? ये कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा. मैं इतना नहीं सोचा था कि ऐसा नीट में भी आएगा. ओके, व्हाट इज वी? वी जीरो. एंड व्हाट इज यू? यू इज 6. एंड व्हाट इज ए? ए इज सेम, ए इज सेम, बट नाउ इट विल बी हैव सम नेगेटिव डायरेक्शन. सो 6, बिकॉज अब डायरेक्शन बदल गई है. अब डायरेक्शन क्या है? बदल गया. सो इट इज 6. एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज टी. वी नीड टू फाइंड टाइम. टाइम इज 1 सेकेंड. यानी कि हमारा मोशन वैसे तो हमने स्टडी करना है 1 2 3, बट ये 1 सेकेंड बाद ही पलट गई. 1 सेकेंड बाद ही पलट गई. देयरफॉर इसके आगे हमने, यानी कि एस टू हमारा कितना होगा? दिस इज 6 इंटू, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी थी? एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड इट वाज 6. अब टाइम 1 सेकेंड के लिए हम लगाएंगे. ओके, 1 सेकेंड के लिए ही लगाएंगे. दिस इज 6. एंड व्हाट इज टी? टी इज 1 स्क्वायर.
दिस इज 3 एंड दिस इज 3 मीटर्स, अगेन वी गॉट 3 मीटर डिस्टेंस. ओके नाइस. अब एस्ट्री लगा लो. एस्ट्री कहां से कहां तक? फ्रॉम टाइम 2 सेकंड्स, क्योंकि टी 1 सेकंड और ले लिया इसने, ठीक है. अब टाइम टी 2, सॉरी फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स टू 3 सेकंड्स, यानी कि टाइम डिफरेंस कितना है? दैट इज 1 सेकंड. तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन. क्या ढूंढना? सॉरी वेलोसिटी ढूंढनी है ना. तो देखो हमने ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए डिस्प्लेसमेंट ढूंढना था ना. तो देयरफॉर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट s3? इट इज सिंपली हाफ इट स्क्वायर, बिकॉज फिर इसमें क्या होगा, जो जहां से अब स्टडी कर रहे हैं ना, जहां पर हमारा वेलोसिटी कितनी आई थी, ठीक है, वो आई थी 0. Therefore, it is 0. तो हाफ इट स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा फिर. दिस इज 6 टी स्क्वायर नाउ, बट इट विल हैव अ नेगेटिव डायरेक्शन. तो आई विल से माइनस, बिकॉज ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, सो आएगा माइनस 3 मीटर, माइनस 3 मीटर. नाउ देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज एस 1 प्लस एस 2 प्लस एस 3 एंड इट इज 3 माइनस 3 प्लस 3 ओवर ओवर टाइम. टोटल टाइम इज 3 सेकेंड, इट इज 3 माइनस 3, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड. दिस इज एवरेज वेलोसिटी, सिंपल एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा अगर डायरेक्शन क्या होगी, बदलेगी. अगर डायरेक्शन क्या होगी, बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. कुछ और गलती कर दी मैंने? हाँ, एक ही माइनस है, ठीक है. इसको प्लस कर दो S2 को, यहां पर माइनस आना था, ठीक है ना, यहां पर माइनस आएगा, ठीक है ना. S1 इज पॉजिटिव, S2 इज पॉजिटिव एंड S3 इज नेगेटिव. बट व्हाट विल वुड बी आवर नेट स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्प्लेस, टोटल डिस्टेंस. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? वी नो टोटल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देयरफॉर वी विल गेट 3 प्लस 3 प्लस 3 विद नो नेगेटिव साइन. आई विल गेट 9 बाय 3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज आवर आंसर. सो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस. ओके ऑप्शंस को चेक करते हैं अब. सो 1 शुड बी आवर एवरेज वेलोसिटी एंड 3 शुड बी आवर एवरेज स्पीड. लेट्स सी एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 3. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. So B is the correct option, ठीक है. और अगर तुमने इस सवाल को और थोड़ा बढ़ाना है, इसकी स्पीड और बढ़ानी है, then you must know the concept of symmetry. Concept of symmetry. जैसे हमने देखा कि after changing the direction of the electric field, तो जब तक force same रहेगी तब तक अगर डायरेक्शन ही बदलेगी, अगर फोर्स की डायरेक्शन ही बदलेगी, देन इट विल कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट एज द प्रीवियस वन. जैसे S1 की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो S2 के इक्वल आना ही था. क्यों वो इक्वल आना था? बिकॉज S2 एंड S1 आर जस्ट सिमेट्रिकल सिचुएशंस, क्योंकि फोर्स हमारा बदली नहीं, खाली उसकी क्या बदली है, खाली उसकी डायरेक्शन ही बदली है. दैट मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिकल केस, और सिमेट्रिकल केस के लिए S1 हैज टू बी इक्वल टू S2, जस्ट लाइक अ फ्री फॉल बॉडी, जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी. उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जब हमारे वेट अ मिनट उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है ना, जब हम ऊपर फेंकते हैं कोई बॉडी, टिल इट रीचेस अ हाईएस्ट पॉइंट, ओके, इट विल टेक सम टाइम टी, एंड उसकी जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एच, एंड आफ्टर इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इट विल टेक द सेम हाइट एज वेल एज सेम टाइम. सो एज अ होल इट विल हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. तो ये सिमेट्रिकल केस है, ये तुम्हें पता होना चाहिए था इफ यू वांट टू स्पीड अप योर कैलकुलेशंस. ओके नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन.
नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. इट सेज अ सेमी सर्कुलर आर्क. वेट अ मिनट. हाँ इट सेज अ सेमी सर्कुलर आर्क. इट सेज अ सेमी सर्कुलर आर्क. एक सेमी सर्कुलर आर्क है हमारे पास ऑफ रेडियस ए. ओके एंड इट इज चार्ज्ड विद सम चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ओके एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क. ठीक है ना. क्या करेंगे इसमें जस्ट फॉर्मूला हमने लिखना. दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला. तो इसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं करने. सिंपल हमें पता है what is the formula of any arc. For any arc we have formula like lambda by 2 what was formula lambda by 2 pi epsilon naught into niche a square aayega ja tumhara radius ka square aayega times sine into pi by 2 where is the angle subtended by the arc. Pi is the angle subtended by the arc. Now, जब वो सेमी सर्कुलर की शेप में हो गए हमारे आर्क तब फाइ कितना होगा. दिस इज यू नो 180 डिग्री होगा एंड देयरफॉर व्हाट विल बी फाइ बाय 2 इट विल बी 90 डिग्री एंड व्हाट इज साइन 90 डिग्री. दिस इज जस्ट 1 साइन 5 बाय 2 वी हैव नो वी गॉट द आंसर ऑफ साइन 5 बाय 2 एज 1. तो ये तो 1 बन गया. इफ ये अगर हमारे पास 1 बन गया then what is left to us. What is left to us? We are left with lambda by 2 pi epsilon naught lambda by 2 pi epsilon naught a square. So therefore what we are given, we have found this b option is the correct option. Okay, so b option is the correct option, lambda by 2 pi epsilon naught into a square. So this is the answer and we have got our answer. Okay, so these were the two questions which many students have asked me. So these were the two questions. Agli video mein hum aur do questions to agli video mein hum aur do questions oho to agli video mein hum do aur questions karenge jisme hum और नीट के क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यूज. ठीक है. वैसे दूसरी सीरीज भी चालू है दैट इज ऑन द न्यूटन्स लॉस और उसके मैंने अभी तक फ्री बॉडी डायग्राम्स करवा दी हैं. ओके यू कैन वॉच एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फ्रिक्शन के ऊपर भी मैंने डाले हैं कुछ वीडियोस तो फ्रिक्शन के ऊपर देख लेना एंड न्यूटन्स लॉ के ऊपर भी देख लेना एंड वो सब कुछ कहाँ पर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन हैव दैट लिंक एट दैट description box and thank you very much for joining me. Thank you. Padhte raho. Thank you very much.